अब नया दौर आ गया, तेज दौर आ गया। लोग कहते हैं कि मट्टी के देख देख के बर्तन हम बोर हो चुके हैं, अब मट्टी को सोने का बना दिया। जो लेता खुश हो जाता है। हमें तो सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी देख के खुश होते हैं, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है, मैं बहावल नगर शहर का रहने वाला हूँ। ये मैंने फ़न कराची से सीखा है, तकरीबन 1990 से मैं ये काम कर रहा हूँ। इसी तरह कभी किसी शहर में, कभी किसी शहर में, पाकिस्तान के तमाम शहरों में मैंने ये काम किया है। ये मिट्टी का बनता है, मिट्टी का बना के कच्ची मिट्टी को लेके बना के उसके बाद फिर इसको भट्टी चढ़ाते हैं, फिर हम इसके ऊपर पेंट करते हैं गोल्डन। ये जर्मन का पेंट होता है, पाकिस्तान में ये बहुत कम मिलता है, लेकिन और ये अच्छा जो एक नंबर है, ये सिर्फ ये कराची में पाया जाता है और उसके अलावा नहीं मिलता है। पूरे पाकिस्तान में हम दो ही भाई कारीगर हैं इसके, और बाकी जो लोग हैं 3-4 शागिर्द हैं मेरे मसलन मुख्तलिफ शहरों में, लेकिन हमारे सिवा और कोई आदमी ये पेंट नहीं करता है। इसमें गुलदान होते हैं, शमादान है, लैंप है, हांडी है, चूल्हा है, गिलास है, प्लेट है, मटका है, प्याला है और अस्ट्रे वगैरह है, और इसमें छोटे से गले भी हैं, और ये 20 रुपए का बेचते हैं छोटे वाला, बड़ा मुख्तलिफ रेट है, कोई 100 रुपए का, कोई 120 का है, 200 का है। जो भी चीज़ है मिट्टी के बर्तन को हम उसको महारत के साथ पेंट कर देते हैं, बच्चों से लेके जवान बूढ़े सब लेते हैं।